हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और ब्रेन मैप की सीरीज में आप सबका स्वागत करते हैं हम। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्वक कुशल मंगल होंगे। और स्टूडेंट्स, मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से, नॉस्ट्रम स्टडी पॉइंट जिसका मतलब है रामबान, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चे, ये जो सीरीज है ये 20 डेज़ की सीरीज है, सिर्फ 20 डेज़ की सीरीज है। इस 20 डेज़ की सीरीज में, जिसमें 20 लेक्चर कवर होंगी, 20 डेज़ की सीरीज में इसमें 20 लेक्चर कवर होंगे। जैसे लेक्चर नंबर 1 है, ऐसे 20 लेक्चर्स होंगे जिसमें कंप्लीट फिजिक्स को ओवरव्यू कराया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये इंग्लिश में है लेकिन मैं इसे बाईलिंगुअली दोनों भाषाओं में एक्सप्लेन करूँगा। चलिए चलते हैं लेक्चर नंबर 1 पर, जिसमें आज टॉपिक रहेगा यूनिट एंड स्ट्रेट लाइन। देखिए बच्चे, सबसे पहले बात करते हैं, यह सीरीज छोटे छोटे टाइम इंटरवल की होगी, बस एक बार रिवीजन के लिए तौर पर रहेगी। कैसे? देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट को जब हम तोड़ते हैं तो बच्चे, यूनिट एंड मेजरमेंट 2 पार्ट्स में तोड़ी जाती है। कैसे? देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करें तो ये 2 पॉइंट्स बनेंगे। एक मेजरमेंट, एक का मतलब है मेजरमेंट मतलब मापन, और दूसरे का मतलब रहेगा एरर, गलतियां कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है SI यूनिट। बच्चे, SI का मतलब क्या होता है? SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अच्छा, SI यूनिट्स की बात करें तो इनमें यूनिट कैसे कैसे मेजरमेंट करी जाती हैं। देखो, 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है MKS, एक होता है FPS और एक होता है बेटा CGS। क्लियर है? MKS को मेजरमेंट करते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड, वही मीटर बन जाता है फुट में, फुट पाउंड मतलब वजन पाउंड में, और टाइम सेकंड में। और वही जो मीटर यहाँ होता था वही क्या बन जाता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो याद रखना, MKS सिस्टम है ना, उसी को SI सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? SI सिस्टम। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए, अब इसी पॉइंट की बात करते हैं। जैसे बहुत सारी यूनिट होती हैं, देयर आर सेवरल बेसिक यूनिट, टोटल 7 यूनिट होती हैं। ड्राइव यूनिट की बात करें तो ड्राइव यूनिट होती हैं बेटा आपकी वो यूनिट जो इन यूनिट से डेरिवेशन होके आती हैं या ड्राइव होके आती हैं। क्लियर? चलिए, अगला नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल स्केल पे जो मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, 3 चीज़ मेजरमेंट करी जाती हैं, MLT, मास, लेंथ और टाइम। तो MLT में क्या, यहाँ इन्होंने बता रखा, देखो जब हम मेजरमेंट करते हैं मास को, तो मास जो लिया जाता है वो कितना लिया जाता है? AMU में। लेंथ जैसे मेजरमेंट करी जाएगी स्मॉल अमाउंट पे, बहुत छोटे अमाउंट की बात कर रहा है, 1 एंगस्ट्रोम पूछ लिया जाता है। 1 एंगस्ट्रोम कितने के बराबर? 10^-10 मीटर। ठीक है जी, 1 फर्मी कितने के बराबर होता है? 10^-15 मीटर। फर्मी, हिंदी में भी फर्मी कहते हैं। क्लियर है? और बड़े स्केल पर जब नापी जाती हैं तो बहुत बड़े स्केल पे, पता है एक बच्चे ने क्वेश्चन दिया था, डाउट में पूछ रहा था कि सर ये चंद्रशेखर यूनिट क्या होती है? चंद्रशेखर लिमिट, सुनो, SCL, चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है, जिसे SCL के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे, ये मास की ही यूनिट होती है, लेकिन ये मास की यूनिट में जब निकालते हैं तो ये बहुत बड़ी इकाई होती है मास की। इतनी बड़ी इकाई होती है कि ये मेजरमेंट करी जाती है, जो सन होता है ना, सूर्य का द्रव्यमान लेते हुए करी जाती है। और एक्चुअल में इसकी वैल्यू एग्जैक्ट क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये चंद्रशेखर जो है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है, साइंटिस्ट का नाम ले रखा है इसमें, तो चंद्रशेखर को SCL बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? SCL। तुमसे कोई पूछेगा SCL क्या है तो तुम कहोगे सर जी इसे बोलते हैं चंद्रशेखर समिति या चंद्रशेखर लिमिट। ये कितनी होती है? ये पता है कितनी होती है? ये 1.44 टाइम्स होती है मास ऑफ सन का, याद रखना। तो चंद्रशेखर यूनिट बहुत बड़ी इकाई होती है, किसकी? द्रव्यमान नापने की। अगला है जी लेंथ, लंबाई। ओहो सर, ये तो पता है, आज कई बार पूछ रखा है, 1 AU क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैसे पूछी जाती है, जिसे खगोलीय इकाई भी बोलते हैं, 1 × 10^11
मीटर, एक लाइट ईयर, देखो बेटा सेकंड पे लाइट ईयर जिसे हिंदी में प्रकाश वर्ष कहते हैं, पूछता प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, बच्चा सोचता प्रकाश, ओह सर जी लाइट की, गलत है। बच्चा सोचता सर प्रकाश वर्ष लिख रहा है, टाइम है, वर्ष आ गया टाइम, ना गलत है। ये इकाई किसकी, लार्ज स्केल पे बहुत लंबी दूरियों को जो नापने के काम आती है, किसमें, लेंथ की, किसकी इकाई है, लंबाई की इकाई है। परसेक भी किसकी है, लंबाई की इकाई है, पूछा जाता है। अच्छा बताओ मास में ही देखो, मास में बड़ी इकाइयों को देखो, जैसे देखो मास में छोटी इकाई एएमयू हो गई, द्रव्यमान में बड़ी इकाई देखो सर जी मैट्रिक टन, सोलर टन, और सर जी आपने तो एक बहुत बड़ी यूनिट बता दी जो सुनी भी नहीं थी, पहली बार सुन रहे हैं, SCL पूछ रखा जाता है, चंद्रशेखर समिति या चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश का, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होता है, टाइम्स होता है, बोलो बताओ कर लोगे। चलिए अगला उसमें दे रखा सिग्निफिकेंट क्या है, टेम्परेचर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये सब डायमेंशंस निकाली जाती हैं इनकी, बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अगला नेक्स्ट पेज इसका आता है, नेक्स्ट पेज पे कहता है एरर के बारे में, गलतियों के बारे में। देखिए एरर जब निकालते हैं तो एरर कैसे कैलकुलेट करी जाती हैं, एरर जो होती हैं, गलतियां जो होती हैं, वो जो मेजरमेंट करते हैं, देखिए बच्चे तो जेड से रिप्रेजेंट, जैसे कोई ए है और एक बी है, सुनना ध्यान से, मैंने कहा हाँ भाई ऐसे करो अपनी लंबाई बताओ, तुमने कहा सर लंबाई तो तकरीबन हमारी ऐसी होगी कोई 5 फुट 7 इंच, मैंने कहा सही बोल रहे हो, अरे सर कोई नहीं 5 फुट 7 इंच में प्लस माइनस 0.2 की और लगा लो कोई, प्लस माइनस तो थोड़ा फर्क होगा। अच्छा एक बंदे से पूछा बी वाले से, हाँ भाई कितनी लंबाई है, उसने कहा सर मेरी लंबाई जो है वो है तकरीबन 6 फुट का आदमी सर मैं, एग्जैक्ट मैंने कि करेक्ट 6 फुट है, अरे सर प्लस माइनस कोई एक आध दो ऊपर नीचे, जो तुम ऊपर नीचे बोलते हो प्लस माइनस बोलते हो यही तुम्हारी प्लस माइनस जो होती है ना, यही अगर आंकड़ा बहुत सारे बच्चों का जोड़ा जाए, मैं क्लास में जोड़ूं तो इस आंकड़े को जोड़ूंगा ना बेटा, जब धीरे 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 ये जुड़ते बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है, बहुत बड़ी एरर बन जाती है, गलतियाँ बन जाती हैं। अब सुनो देखो यहाँ देखो जेड के कोई फंक्शन से ए और बी थे जी, ये डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए है उसमें छोटी सी एरर, डेल्टा बी क्या है उसमें छोटी सी एरर, गलती डेल्टा जेड क्या है, एरर जुड़ गई, बात समझ आई। अच्छा एरर जब भी प्लस करो या माइनस करो हमेशा ऐड होती है, याद रखना ये बात, प्लस करो या माइनस करो देख रहे हो हमेशा एरर गलती ऐड होती है, छोटी गलती दोनों ऐड होंगी, इनको माइनस करोगे तब भी गलतियाँ ऐड होती हैं। अच्छा एक फॉर्मूला होता है जेड स्क्वेयर ऑफ, कहता है जेड इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो बेटा इसमें क्या करते हैं पावर को आगे लाते हैं और डेल्टा ए अपॉन ए। अच्छा तो बताना बेटा डेल्टा ए क्या है, सर जी वो गलती है कौन सी जो प्लस माइनस बोली थी, और ए क्या है, ए एक्चुअल वैल्यू है जो तुमने 5 फुट बोली थी, बात समझ आई, तो पावर को आगे ले आते हैं, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई में भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो जैसे कोई दे दिया फंक्शन दे दिया कि देखो जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी दे दिया, तो कैसे निकाला जाएगा ये डेल्टा ए अपॉन ए, ओ जी गलती बटे सही चीज, ठीक है, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसे निकाला जाएगा, ये डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, और यहाँ क्या था जेड ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, गलतियाँ हमेशा ऐड होती हैं। समझ में आया नहीं आया, दोबारा बोल रहा हूँ, प्लस माइनस होगा तब भी ऐड होगी, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होगा, गुना या भाग होगा तब ऐसे लिखी जाएंगी दोनों ही, लेकिन दोनों ही केस में क्या होंगी ऐड होंगी, बोलो बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। वैसे जर्नली इस पे कोई भी क्वेश्चन है जैसे आपको दे दिया वो कहेगा जेड इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी, ठीक है, अपॉन ए का 3/2, तो बेटा देखो अब कैसे करोगे, ओहो सर जी जेड इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सर जी सी और डी क्या है, बेटा सुनना क्वेश्चन, सी और डी क्या है, मल्टीप्लाई है गुना है, कोई दिक्कत नहीं, गुना होगा तो क्या होगा फिर भी प्लस ही होगा। अच्छा और सी पे स्क्वायर लग गया तो पावर को आगे लाओ डेल्टा सी अपॉन सी, ओ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, डेल्टा सी अपॉन सी, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई है तो कौन सी बड़ी बात सर, होगा फिर भी प्लस ही, डेल्टा डी अपॉन डी, ओहो बिल्कुल होगा। अच्छा
सुनना ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, ये लिख क्या रहा है, ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों आपस में देखा जाए तो a अपॉन b है। सर जी a अपॉन b होता तब भी तो मल्टीप्लाई में आता है, मतलब तब भी तो प्लस वाला ही फंक्शन लगता है, तो ये प्लस यहाँ होगा, क्या होगा यहाँ प्लस का होगा, प्लस का क्या 3/2, फिर आगे लाओ 3/2 क्या हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a। बोलो ये बात समझ, हाँ जी क्लियर है, वो थोड़ा सा प्रेस करने से दिक्कत हुआ। चलिए अगला नेक्स्ट आता है स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से, मोशन स्ट्रेट लाइन गतिज अवस्था में सीधी एक ही दिशा, एक दिशा में गति होती है, रेखीय दिशा जिससे हम बोलते हैं, सुनो ध्यान से, एक होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होता है बच्चे उसे हम बोलते हैं, एक होता है दूरी, ये दूरी है और ये विस्थापन है, क्या है विस्थापन, ठीक है, जो सीधा रास्ता होता है एक्चुअल का रास्ता वो डिस्टेंस है, मान चलो तुम यहाँ से यहाँ से और ऐसे आते हो डायरेक्ट, ये ए है ये बी है, ये बी है और ये सी है, अमृतसर से बॉम्बे जाते हो फिर चंडीगढ़ आते हो और एक डायरेक्ट ए से सी जाते हो, तो ए से सी जाते हो इसे क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और ए से बी जाओ फिर बी से सी जाओ ये करेक्ट रास्ता है, इसे क्या बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब दूरी बटे समय क्या बनता है स्पीड बनता है, क्या बनता है स्पीड, जबकि विस्थापन बटे टाइम क्या बनेगा, विस्थापन बटे टाइम क्या बनेगा वेलोसिटी बनेगा, याद रखोगे बात। अच्छा एक बात और सुन लो, जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, जब ये पॉजिटिव तो बेटा ये भी पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, वेलोसिटी भी क्या रहेगी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। अच्छा वेलोसिटी अपॉन टाइम का भी एक फॉर्मूला बन जाता है, मतलब वेग बटे समय अगर कर देंगे तो वो बन जाएगा एक्सेलरेशन, तो ऐसे ही तुम एक्सेलरेशन के बारे में बोलोगे, सर जी जब वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, वेग पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगा, बात समझ आई, ठीक है। अच्छा याद रखना S4 स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी है, V4 वेक्टर, तो ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर को बोलते हैं बेटा अदिश, क्या बोलते हैं अदिश, और ये क्या होगी सदिश, तो देखो खानदान देखो इसका पूरा, वेक्टर ये एक्सेलरेशन, तो बोलो वेलोसिटी जब वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर और एक्सेलरेशन भी वेक्टर, ये देखो स्पीड स्केलर है तो डिस्टेंस भी क्या होगा स्केलर होगा, बात समझ आई, मतलब ये अदिश का परिवार ये सदिश का परिवार, हाँ जी क्लियर है। अगला एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल, मतलब इनिशियल प्लस आरंभिक प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 को एवरेज कहते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अचानक से जो निकाली जाए उसे इंस्टेंटेनियस कहते हैं, याद रखना क्षणिक, क्षणिक चाल के नाम से जाना जाता है, किसी अचानक क्षण पे, तो यहाँ बेटा डेल्टा लग, यहाँ लिमिट लगती है, क्या लगती है लिमिट, लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो, जैसे यहाँ इंस्टेंटेनियस है ऐसे यहाँ भी इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, फर्क ये रहेगा यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम है यहाँ वेलोसिटी अपॉन टाइम रहेगा। एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, समान और असमान, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है वेलोसिटी हो सकती है। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान चलो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इतना डिस्टेंस एक सेकेंड, दूसरी सेकेंड, तीसरी सेकेंड, चौथा सेकेंड, इनका जो गैप है ना वो सेम है, अगर इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल सेकंड में, मतलब समान दूरी समय समान टाइम में चल रहा है, समान समय में चल रहा है, तो वो यूनिफॉर्म है, क्लियर है। अगर अनइक्वल, यहाँ से चला ना चला फिर इतना चल गया अचानक फिर चल गया, बात समझ आई, तो अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, याद रखना टाइम दोनों केस में इक्वल रहेगा भाई, टाइम अनइक्वल नहीं होता, पूछ सकता है वो, तो आप क्या बोलोगे, फिर से बोल रहा हूँ बेटा यूनिफॉर्म क्या होता है, समान क्या होता है, सर जी समान दूरी समान समय में, यहाँ असमान दूरी समान समय में, टाइम सेम रहेगा, क्लियर है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। बताओ इक्वेशन पढ़ी थी, अच्छा एक होता है मोशन की इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस at, v क्या इनिशियल वेलोसिटी, u v क्या फाइनल वेलोसिटी, u क्या इनिशियल वेलोसिटी, a क्या एक्सेलरेशन त्वरण, t क्या टाइम, पढ़ी थी सारी इक्वेशन। अच्छा अगर ये तो हैं बच्चे तब, ये तो हैं तब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली तुम जानते हो समान वाला समान समय में, वेरिएबल बदल बदल के कर रहा है तो उसका उस कुछ नहीं रहेगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा। अच्छा अगर ग्रेविटी लग रही है मतलब उस पर गुरुत्वीय लग रही है, तो ए जो है ना यहाँ ए, ये जो ए है वो अब ए से जी बन जाएगा,
अगर नीचे कोई चीज़ आ रही है तो ग्रेविटी प्लस की रहेगी, ऊपर कोई जा रही है तो ग्रेविटी माइनस की हो जाएगी। बात समझ आई? देख लो, ये वाला केस है ग्रेविटी जब नीचे आ रही है डाउनवर्ड, और ये वाला तब है जब अपवर्ड ऊपर जा रही है। तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई भी इक्वेशन देख लो, क्योंकि यहाँ इनिशियल यू क्या बन चुकी है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो बेटा पहली इक्वेशन बनाना, ये वाली देखो, वी इज इक्वल टू यू जीरो बन गया, ए जी बन गया, टी टी बन गया। क्लियर है? नो दिक्कत सर जी, नो दिक्कत। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? सापेक्ष वेग जिसे बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में आ जाए। रिलेटिव वेलोसिटी को याद रखना, एक v1 है एक v2 है, ये v1 है ये v2, अगर सेम दिशा में है तो ये तो माइनस होंगे, और अगर ये अपोजिटली आ रहे हैं, जैसे v2 और v3 अपोजिट आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? प्लस में। जर्नली क्या होता है, अपोजिट में माइनस आता है, लेकिन भाई रिलेटिव के केस में उल्टा होता है। याद रखोगे बात, अगर अपोजिट आते हैं तो वो ऐड होंगे, और सेम डायरेक्शन में तो वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ग्राफ आप जानते हो, स्लोप, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो स्लोप होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये स्लोप? ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन, त्वरण को। और अगर यही डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? बेटा डिस्टेंस और टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। क्लियर है? तो ऐसे स्लोप निकाले जाते हैं। अगर कोई चीज़ डायरेक्ट ऐसे है तो मतलब ये कॉन्स्टेंट स्लोप है। कौन सा स्लोप है? कॉन्स्टेंट। बात समझ आई? याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो क्षेत्रफल क्या दिखाता है? त्वरण और समय के बीच में जो होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, वेग को। क्लियर है? ये था आपके दो चैप्टर्स का। और बच्चे बने रहिए आपका चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबान। क्लियर है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, फिजिक्स बाय जितेश पारासर, या डायरेक्ट लिंक भी दे रखा आपको। क्लियर है? और वहाँ से जो भी पीडीएफ रहेगी, यही पीडीएफ फॉर्म में साथ साथ भेजता रहूँगा। हमारा टारगेट है इन 20 डेज में ब्रेन मैप की हेल्प से कंप्लीट पूरी फिजिक्स को ओवरव्यू करना। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, ख्याल रखिए। थैंक यू।